चार आ जाएंगे एक पे। अब हम इधर थोड़ा सा हम स्टे कर रहे हैं, अभी मुकद्दस और अभी मलाइका वो तस्वीरें बना रही हैं। ये जी मैडम है, खा भी बैठे अलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम अभी तो हैं इस्लामाबाद में, आज हमने पत्रियाटा जाना है। पहले मरीम में नहीं जा रहे क्योंकि ना काफी ज्यादा देर हो गई है, तो पहले दिल है कि उधर जाएंगे चेयर लिफ्ट पे, क्योंकि मलाइका का और मुकद्दस का है बहुत ज्यादा दिल के भाई पहले हम चेयर लिफ्ट पे वहां पे जाएंगे और उसके बाद फिर हम आके फिर रूम वगैरह का कुछ करेंगे। और माशाल्लाह बच्चे बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, खास तौर पे आमना इब्राहिम, अच्छा मुकद्दस, मलाइका और उषा। मतलब बड़े अरसे के बाद हम फैमिली, मतलब फर्स्ट टाइम आए हैं। मेरे ख्याल में पहले हम कभी भी फैमिली के साथ नहीं आए। राजदा भी इधर मेरे साथ ही बैठी हुई है, गपशप हम साथ में लगा रहे हैं। तो चलें अब वैसे करती हूँ कि जैसे जैसे क्लिप शूट करूंगी वैसे वैसे जी आपके साथ शेयर करूंगी। तो जी आपने वीडियो में मेरे बस जी रेडी हुए हैं और हम निकल आए थे। बस इतने ज़्यादा क्लिप वगैरह मैं इसलिए नहीं ले सकी हूँ क्योंकि मेरा पहले इस्लामाबाद में एक काम था, वो भाई मैंने कंप्लीट किया है। उसके बाद फ़ौरन से रेडी हुए हैं और हम निकले हैं। और ये है कि मुकद्दस, जब मैं काम के लिए निकली हुई थी, मुकद्दस ने इतनी देर में आमना इब्राहिम को भी रेडी कर लिया था, खुद भी वो तैयार हो गई थी। इस्लामाबाद का और मरी का इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तकरीबन 1.5 घंटे के अंदर अंदर बंदा पहुँच जाता है। तो बस छोटे मोटे क्लिप लिए थे, थोड़ी सी इब्राहिम की और आमना की तबीयत ख़राब हो गई थी। असल में ना रात को हालांकि बारिश हुई थी लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा, मतलब धूप इतनी सख्त निकली हुई थी कि इतनी शदीद गर्मी बन गई थी ना। और आपको पता है पहाड़ी पे फिर इतना वो एसी वगैरह भी आप नहीं ऑन कर सकते हो, तो एसी बंद था जिसकी वजह से ना बच्चों की थोड़ी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई थी। लेकिन ये है कि वहाँ जहाँ पे छाँव वगैरह आती थी ना और काफ़ी अच्छी और ठंडी हवा थी। ये नहीं, मैडम जी भी आ गई थी, मैडमे भी तैयार हुई है, छुपा दे किसी का, मेरा मुकद्दस का ब्लॉग बनाइए। चार आ जाएंगे एक पे। बस जी चेयर लिफ्ट से उतरे हैं और फिर केबल कार वाली हम जी लाइन में लग गए थे। और इतनी बड़ी लाइन थी, इतनी बड़ी लाइन थी, इतना ज्यादा वेट कर रहे थे ना, वहाँ से शुरू हुए हैं और अभी तक ये लाइन चल रही है। वहाँ से खुला है, ध्यान से खाला। अस्तगफुरुल्लाह, निकल के वरती खलो जी, इधर बाहर ही है ना। ना ना ना, निकलने से कहना किसी वापस चले। अच्छा वापस चले। अब हम इधर थोड़ा सा हम स्टे कर रहे हैं, अभी मुकद्दस और अभी मलाइका वो तस्वीरें बना रही हैं। हमने जी प्लान तो यही बनाया था कि हम इसी केबल कार से ना घूम के तो वापस चले जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा था कि लाइन बहुत लंबी लगी हुई है, कब के लोग वेट कर रहे हैं, उन्होंने वापस जाना है, तो आप एक दफ़ा उतरेंगे। फिर हमने जी चाय वगैरह ली है, तो हम चाय लेकर ना पहले हम ऊपर बैठे थे, वहाँ से फिर हम स्टेज से नीचे आ गए थे। केबल कार में इब्राहिम साइड पे गिर जाओगे बेटा, तो वो देखो जी इब्राहिम से ना। अच्छे कोई रीजन है यहाँ पे ये लगे हुए हैं बाहर। मेरा जी आमना इब्राहिम और हमदा की तरफ ही ध्यान था और कहीं के पहाड़ी थी, मैंने कहा कहीं स्लिप वगैरह ना हो जाए। और चाय हम यहाँ पे बैठे पी रहे थे, चाय बहुत ज़्यादा अच्छी बनी हुई थी। हमारा ब्लॉग बनाने लगा कल तक, वापसी पे बिल्कुल रास्ते नहीं पाता।
दूर कौन सा पहाड़ है मम्मा? सबसे दूर ये मरी है, सबसे दूर वो जो नजर ही नहीं आ रहे बेटा, ये सारे गुजर के उधर ही चले जाएंगे हम। सारा जंगल है। वो नीचे किसी ने कपड़े बिछाए हुए अपने। अच्छा चेयर लिफ्ट पे मुझे जरा भी डर नहीं था लग रहा, लेकिन केबल कार में मेरी पता क्यों चीखें निकल जाती थी, वो जब ऐसे हिलती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। अच्छा जाते हुए हम चारों इकट्ठे बैठे थे, लेकिन वापसी पे मलिक साहब अलग थे और मैं और आमना अलग बैठे थे। वहाँ से निकलते निकलते हमें रात हो गई थी, ये देखे मगरब की अजान भी हो चुकी थी, इस टाइम पे अंधेरा हो रहा था। तो अब हमने सीधा जाना था, पहले होटल का हमने करना था मरी में, और उसके बाद फिर जी हमने जाना था मॉल रोड के लिए। बस जी गए हैं, होटल लिया है, फ्रेश हुए हैं और मॉल रोड के लिए निकले हैं। सब ने डिसाइड किया था कि हमने पैदल जाना है और वॉक करते हुए हम जाएंगे, क्योंकि ना गाड़ी में सफ़र कर करके ना टांगें हमारी ऐसे सुन हुई पड़ी हैं। राजदा और बच्चियां पहले निकल गई थी और मैं और इब्राहिम इकट्ठे थे। फिर ये है कि जब लाइट गई है ना मॉल रोड पर हम जा रहे हैं, और एकदम से ना लाइट चली गई, बिल्कुल अंधेरा हो गया था, और यकीन करें कि ऐसे डर ही लग रहा था। लेकिन बच्चे जो चल चल के ना, अब उनकी बस हो गई थी 15-20 मिनट तो चले हैं। आपको पता है सफ़र कर करके ना ऐसे टांगे हो जाती है ना सुन सी, कि चला भी नहीं था जा रहा। और फिर बच्चों तीनों को बिठाया ये ट्रॉली के ऊपर, और वो शुक्र वो आपको पता है मॉल रोड इस साइड पर ना ये काफ़ी ये लेक फेरे होते हैं, तो ये है कि बच्चों के लिए ज़रा ना ईजी हो जाता है। और उसके बाद जी हम बंदू खान आ गए थे यहाँ पे जी, हमने खाना खाना था। मलाइका ने कहा था कि यहाँ का खाना बहुत ज़्यादा, हाँ उधर से चल के आए हैं ना, मुझे तो ज़्यादा ठंड नहीं लगी। ये जी मैडमें खा भी बैठी। आज का जी खाना था हमारी तरफ से, और अपनी पसंद का सब ने मेन्यू डिसाइड किया था और खाना वगैरह खाया। खाना माशाल्लाह बहुत अच्छा था। और उसके बाद हम आ गए थे मार रोड पे, यहाँ पे बस ये जी आमना रुकी थी कि भाई ये मैंने अपने बाजू पे बिठाना है, जब बिठाने की बारी आई थी तो ये डर गई थी। फिर हमने जी आगे चले हैं, बच्चों ने शॉपिंग करनी थी, कुछ अपनी पसंद की चीज़ें वगैरह लेनी थी। मेरा ये लेने का दिल है। प्यारे है ना, अब देखो ना रोड से जी थोड़ा सा ऐसे स्टेज ऊपर आती हैं, तो ये कैफेटेरिया टाइप बना हुआ है, यहाँ पे आपको कॉफ़ी भी मिल जाती है और साथ ही में चाय भी, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह आप पीना चाहते हैं। फैमिली हॉल अलग से इन्होंने बनाया हुआ है, साथ में जेंट्स के लिए अलग से जगह है। माशाल्लाह अच्छी थी यहाँ पे, हमें ये है कि बैठ के कुछ चाय वगैरह पीने की जगह मिल गई थी, क्योंकि मॉल रोड के ऊपर बिल्कुल भी आपको ना इस तरह जगह नहीं मिलती है। और साथ में बच्चे यहाँ पे बबल वगैरह हमने इब्राहिम के साथ खेल रहे थे, और हमारे जी हिसाब की चाय भी आ गई थी, और रुशा का रिज़ल्ट भी साथ में आ गया था। वो रुशा साथ में रिज़ल्ट अपना देख रही थी, माशाल्लाह रुशा काफ़ी अच्छे नंबरों में पास हुई है। अल्लाह पाक बच्चों के नसीब अच्छे करे और इनको कामयाबियां दे। और रुशा को मेरी तरफ से भी बहुत बहुत मुबारक हो, हमने तो वहीं पे भी दे दी थी। और उसके बाद बस बच्चे फिर के बहुत ज़्यादा थक गए थे, सुबह के उठे हुए थे ना, तो इसलिए वो उनको ना बहुत ज़्यादा से थकावट सी हो रही थी। अब हमने कहा था अब नेक्स्ट डे अगला भी प्रोग्राम था, तो फिर आप जाके होटल में रेस्ट करते हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी ज़्यादा मतलब रौनक थी, काफ़ी ज़्यादा अभी भी रश था। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ कि आज की भी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की भी वीडियो में छोटे मोटे जो मैंने क्लिप शूट किए थे आपके साथ शेयर किए हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगी मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।